राज्य मंत्री कर्ण देव कम्बोज ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले ही सभी विपक्षी पार्टियां हार मान चुकी हैं। बीजेपी अपने 75 पार के आंकड़े को पार करेगी। दीपेंद्र सिंह ढेसी को हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। चंडीगढ़ में प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने दीपेंद्र सिंह को गोपनीयता की शपथ दिलाई। रोहतक में 18 अगस्त को कांग्रेस महापरिवर्तन रैली का आयोजन किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को रैली में आमंत्रित करने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा हिसार पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। फरीदाबाद के डीसीपी विक्रमजीत कपूर ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। डीसीपी की खुदकुशी के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी। स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन एक साथ होने के कारण अंबाला के बाजारों में खूब रौनक देखने को मिल रही है। बाजार तरह तरह की राखियों और तिरंगे के रंग में रंगे हैं। बाजारों में राखी के साथ तिरंगे की भी खूब बिक्री हो रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हिसार में भारतीय सेना ने प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी में छात्र छात्राएं सेना के साजो सामान से परिचित हुए। सेना के शौर्य और गौरव को देखकर छात्र काफी प्रभावित हुए। दिल्ली के तुगलकाबाद में संत रविदास का मंदिर तोड़े जाने के बाद दलित समाज में रोष है। इस मुद्दे को लेकर गोहाना में दलित समाज के लोगों ने बैठक की। बैठक में दलित समाज ने संत रविदास का मंदिर तोड़े जाने की निंदा की। बहादुरगढ़ में रेल ट्रैक से करीब 300 मीटर दूरी पर किसान धरने पर बैठे। किसान अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने रेल ट्रैक को जाम करने की योजना बनाई, जिसको देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सोनीपत के सेक्टर 23 के निवासियों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमा लगाई है। लोगों का कहना है कि आने वाली नस्लें तीनों के बलिदान को याद करें, इसलिए उन्होंने ये पहल की है। फरीदाबाद के एक रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी के दौरान युवकों और रेस्टोरेंट स्टाफ के बीच में डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद में एक युवक की गंभीर चोट लगने से मौत हो गई।